हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा, विच इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF इन शॉर्ट वी कैन से दिस। तो क्या है ये FATF? तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था बाई G7 समिट जो पेरिस में हुआ था 1989 में। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? तो ऑब्जेक्टिव यह था कि टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स। किस चीज़ के लिए? कॉम्बैट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया। तो यानी एक ऐसा कंट्री है जो इन सभी चीज़ों को प्रोमोट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कह सकते हैं कि इसको FATF को लाया गया। यानी कह सकते हैं कि यह FATF जो है वो वैसे कंट्री के लिए एक पॉलिसी बनाता है कि आप इन सभी चीज़ों पे को कम कीजिए या ख़त्म कीजिए। यानी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। क्लियर है दोस्तों? और भी डिस्कशन करूंगा इस पे मैं, फिलहाल इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो 37 है, इंडिया भी शामिल है उसमें, मेंबर ज्यूरिस्डिक्शंस है, प्लस दो इसमें क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन सा है? GCC एंड यूरोपियन कमीशन। GCC स्टैंड्स फॉर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड 1 FATF ऑब्जर्वर्स इज इंडोनेशिया। ठीक है, अब FATF मेंटेन करता है दो लिस्ट को, यानी जो कंट्रीज है टू लिस्ट में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ग्रे लिस्ट एंड सेकंड वन इज ब्लैक लिस्ट, वन इज आल्सो वाइट लिस्ट, बट मेनली वी विल टॉक हियर अबाउट द टू लिस्ट विच इज ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट। देखो, सबसे पहले क्या करता है कोई भी कंट्री इस तरह का एक्टिविटीज जो भी हमने आपको अभी बताया, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इन सब एक्टिविटीज़ में इंडल्ग होता है, तो सबसे पहले तो उस कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उस कंट्री को वार्निंग दिया जाता है। ठीक है, और वार्निंग देने के बाद उस कंट्री से यह कह सकते हैं कि एक कमिटमेंट लिया जाता है, या वो कंट्री एक कमिटमेंट देता है कि हम इस पे एक्शन लेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक हाई लेवल कमिटमेंट करता है वो। तो अगर सिर्फ आइडेंटिफाई हुआ है तो एक वार्निंग के तौर पे हम लोग उस कंट्री को किस चीज़ में रख देते हैं, ग्रे लिस्ट में रख देते हैं। लेकिन अगर वो कंट्री इन सभी चीज़ों पे कोई सुधार नहीं करता है और लगातार अपने एक्टिविटीज़ को करता ही रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उस कंट्री को उठा करके डाल देते हैं किस में, ब्लैक लिस्ट में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, जिसने कोऑपरेट नहीं किया इन सभी चीज़ों को कॉम्बैट करने में। क्लियर है? एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, एज यूजल याद रहने वाला एग्जाम्पल है। ग्रे लिस्ट में कौन है? पाकिस्तान है। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में आने से आखिर क्या होता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग पहले, फिर आगे की चर्चा करेंगे केस स्टडी पाकिस्तान का लेकर के। ब्लैक लिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि जो सपोर्ट करता है टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ वगैरह को, उसको कहते हैं। वैसा नहीं कि जो कंट्री को डाल दिया गया उसमें वो हमेशा के लिए रह गया। FATF अपडेट करता है, अपडेट्स द लिस्ट रेगुलरली। ठीक है, अपने लिस्ट को क्या करता है FATF, रेगुलरली वो अपडेट करते रहता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई कंट्री में सुधार आया है, ठीक है, या वो सब एक्टिविटीज़ को करना बंद कर दिया, तब वो क्या करेगा, उस लिस्ट से उस कंट्री को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस किया जाता है जब एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है? तो सबसे पहला, इकोनॉमिक सैंक्शन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी सैंक्शन लगा देता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, या कंट्रीज भी लगा सकता है। जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब उस पर क्या कर देगा, सैंक्शन लगा देगा। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट द प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लोन देता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, यह सब क्या करेगा, वहाँ से अगर लोन लेने जाएगा वैसा कंट्री, तो उसको परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। यानी काफ़ी तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं कि किस लिए ले जा रहे हैं, आपने तो अभी तक
जो आपको टास्क दिया गया था वो आपने पूरा नहीं कराया, यानी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसका ओवरऑल डिडक्शन हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, यानी उससे उस कंट्री के साथ कोई ट्रेड यानी व्यापार करना पसंद नहीं करता है, यानी सिंपली कह सकते हैं उसको इंटरनेशनली क्या कर दिया जाता है, बाइकआउट कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं केस स्टडी लेकर के पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को हम लोग जानते हैं फर्स्ट टाइम रखा गया था ग्रे लिस्ट में 2012 में और तब से वो 2015 तक ग्रे लिस्ट में ही रहा था, ठीक है, लेकिन 15 के बाद उसको हटा दिया गया ग्रे लिस्ट से। फिर उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया कब, 2018 में, जून 2018 में, ठीक है, और जून 2018 में हम सब जानते हैं कि ये काफ़ी अभी भी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो करते रहता है, पुलवामा का हाल फिलहाल का ही देख लीजिए, उरी अटैक हो गया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ मुंबई ब्लास्ट वगैरह हो गया, तो बहुत सारा है ऐसा जो पाकिस्तान रेगुलरली इंडिया में अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को करते रहता है, ठीक है, तो उसको फिर से 2018 में, जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और अक्टूबर 2019 तक यानी 15 महीने का उसको टाइम दिया गया और 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया कि इन सभी एक्शन प्लान को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, मतलब कि इसमें सुधार लाइए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने करा क्या, उसमें 27 में से सिर्फ 5 पे वो क्या कर सका, को एड्रेस कर सका, बाकी सभी चीज़ों के लिए उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। टेररिस्ट ग्रुप तो आप जानते ही हो, वहाँ का लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, यह सब है, ठीक है। लेकिन उस समय भी जब ये अक्टूबर 2019 आया तो इस समय भी ये 5 को ही क्या कर सका, एड्रेस कर सका, तो क्या चाहिए था, यह चाहिए था कि उस कंट्री को पाकिस्तान को उठा करके कहाँ डाल दिया जाए, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन इस ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आप सभी जानते होंगे, क्योंकि उस समय इसको इसका जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, उसने इसका मदद कर दिया था, ठीक है, बाय यूजिंग वेटो पावर, ठीक है। और उस समय इसको फिर से समय दे दिया गया कि फरवरी 2020 तक आप इसको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, एड्रेस कीजिए, ठीक है। अगर आप फरवरी 2020 तक सभी को एड्रेस नहीं करते हैं तब आपको क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से 22 फरवरी को भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही छोड़ दिया गया है और फिर से समय सीमा को बढ़ा करके जून 2020 तक कर दिया गया है कि आप जो भी 27 पॉइंट है उसको एड्रेस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। अब देखना यह होगा कि जून 2020 में क्या एक्शन लिया जाता है FATF के द्वारा पाकिस्तान पे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स, जय हिंद।